Good morning students and welcome back again to video lectures. हमने पिछले तीन वीडियो के माध्यम से चैप्टर टू पढ़ा. पार्ट वन चैप्टर टू पार्ट वन में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय किया. पार्ट टू में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय किया और पार्ट थ्री में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय किया. अब आज के वीडियो में यानी कि पार्ट फोर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए लेट्स डायरेक्टली गो टू एक्सरसाइज. अब की फर्स्ट एक्सरसाइज है एमसीक्यूज. पहला एमसीक्यू आपका, एमसीक्यू में आपको करना क्या है, शुद्ध स्त्री रूप पर सही का चिन्ह लगाइए. यानी कि आपको पुल्लिंग क्वेश्चन के तौर पर पुल्लिंग के शब्द दिए हैं, छः एमसीक्यू है और सारे के सारे पुल्लिंग शब्द दिए हैं. तो उसके सामने जो चार ऑप्शन है उसमें से आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाले पुल्लिंग वर्ड का स्त्रीलिंग वर्ड पर टिक करना है. पहला बालक कह. अब आपको अगर ऑप्शन ना भी दिया जाए तो भी इसका आंसर पता हो सकता है. बालक का शुद्ध स्त्री रूप क्या होगा, बालिका. ऑप्शंस है बालका, बालिका, बालक और बालकाहा. तो जैसा हमने मैंने बोला कि बालिका बहुत ही आसान है, सो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट. देन सेकंड एमसीक्यू है अजह यानी कि बकरा, यानी कि बकरा. तो उसका स्त्री रूप क्या हो सकता है, अजा बकरी. ऑप्शंस है अजाहा, अजे, अजा और अजौ. तो ऑप्शन नंबर थ्री है अजा, वो उसका सही आंसर है. देन चटकह, उसके ऑप्शंस है चटकाहा, चटका, चटके और चटकौ. तो ऑप्शन नंबर टू चटका है, वो उसका सही आंसर है. देन अध्यापक, ये शब्द आपने हजारों बार सुना होगा, अध्यापक और अध्यापिका. तो अध्यापक पुल्लिंग है, उसका शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अध्यापिका. ऑप्शंस क्या है, अध्यापका, अध्यापकाहा, अध्यापिका और अध्यापिकाहा. तो ऑप्शन नंबर थ्री है अध्यापिका, वो उसका सही आंसर है. देन छात्र, ये भी बहुत आसान है, छात्र पुलिंग है तो उसका स्त्रीलिंग होता है छात्रा. ऑप्शंस है छात्राः, छात्रे, छात्रा और छात्रौ. तो जैसा मैंने बताया आपको छात्रा उसका सही आंसर है. और लास्ट एमसीक्यू मूषक, चूहा. तो उसका सही आंसर क्या हो सकता है, चूहिया. क्वेश्चन है मूषक, तो उसका सही आंसर क्या हो सकता है, मूषिका. ऑप्शंस है मूषकाहा, मूषकौ, मूषिका और मूषिकाहा. तो मूषिका उसका सही आंसर है. देन एक्सरसाइज नंबर टू, पुल्लिंग स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग लिखिए. ये देखिए यहाँ पर जो आप येलो हाइलाइटेड बॉक्स देख रहे हैं उसमें आपको जंबल करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के मिक्स्ड वर्ड दे दिए हैं. उसको आपको उन मिक्स्ड वर्ड में से आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के वर्ड्स को अलग अलग छांटना है. तो हम एक एक शब्द आप क्या कीजिए कि अपनी नोटबुक में एक तीन रो में तीन शब्द लिखिए. पहली लाइन में पुल्लिंग, दूसरी लाइन में स्त्रीलिंग और तीसरी लाइन में नपुंसकलिंग. अब हम एक एक वर्ड देखते हैं वो जिस लिंग से जुड़ा होगा आपको वो शब्द उस लाइन में टांकना है. जैसे कि पहला शब्द है छात्रा, तो आपने ये जो तीन लाइन बनाई पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो बीच वाली लाइन जो स्त्रीलिंग है तो छात्रा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो आपको उसको स्त्रीलिंग वाली लाइन में डालना है. तो आइए देखते हैं.
पहला शब्द छात्रा तो वो हो गया स्त्रीलिंग, देन अध्यापक। अब आपको पता ही है कि जिसमें अह औ आह आएगा वो पुल्लिंग, आ ए आह आएगा वो स्त्रीलिंग, और म ए आनी आएगा वो नपुंसकलिंग वर्ड्स होंगे। तो अध्यापक दैट मीन्स पुल्लिंग, पुस्तकम नपुंसकलिंग, मित्राणी नपुंसकलिंग बहुवचन, कृषकौ कृषक यानी किसान, किसान यानी पुल्लिंग, फिर अम्बा अम्बा यानी माँ तो वो किस लिंग का होगा स्त्रीलिंग, देन महिला हा महिला इटसेल्फ सेज द जेंडर तो इसलिए उसका आंसर होगा नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग। अजे अजा अजे अजाहा आ ए आहा आया तो स्त्रीलिंग अजा यानी बकरी, फिर मालाहा माला इटसेल्फ इज अ स्त्रीलिंग तो माला स्त्रीलिंग होगा, फिर चित्राणी चित्राणी अणी आया नपुंसकलिंग यस, हस्तौ औ आने के कारण दिख नेचुरल है कि पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग का द्विवचन, फिर पादौ सेम औ आने के कारण द्विवचन पुल्लिंग, देन शुकाहा उसका रूट वर्ड क्या होगा शुक, और शुक यानी तोता, तोता पुल्लिंग होता है, मैना स्त्रीलिंग होता है तो शुकाहा पुल्लिंग, फिर सूर्य सूर्य इटसेल्फ इज अ पुल्लिंग, फिर शाखा आकारांत स्त्रीलिंग, रूपीय कम म आने के कारण आपको आसानी से समझ में आएगा वो नपुंसकलिंग होता है, फिर कंदुकम सेम म होने के कारण नपुंसकलिंग, और चक्रम अगेन नपुंसकलिंग। ओके देन एक्सरसाइज नंबर 3 है MCQs, बट ये कैसे वाले MCQ है, आपको हिंदी शब्द दिया है उसका सही संस्कृत वर्ड आपको टिक करना है। पहले जो था वो क्या था कि आपको संस्कृत वर्ड ही दिया था बट वो पुल्लिंग का दिया था और उसके सामने 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से आपको स्त्रीलिंग का फॉर्म उसका टिक करना था। इसमें आपको जो शब्द हिंदी में दिया है उसका सही संस्कृत क्या होता है वो टिक करना है। पहला MCQ है कोयल, अब उसके सामने 4 ऑप्शन है काकह पिकह शुकह और चटकह, तो सही आंसर होता है पिकह, क्योंकि काकह यानि कौआ, शुकह यानि तोता और चटकह यानि चिड़िया, तो सही आंसर है पिकह ऑप्शन नंबर 2। देन दो पुस्तक, अब सिंगल पुस्तक होता तो पुस्तक कम आता या नपुंसकलिंग, अब द्विवचन पुस्तके क्योंकि द्विवचन नपुंसकलिंग में एक वचन म द्विवचन ए और बहुवचन आनी होता है, तो दो पुस्तक उसके सही 4 ऑप्शंस है फले पुस्तके पुस्तकम और पुस्तकानी, तो पुस्तके उसका सही आंसर होगा क्योंकि दो है इसलिए। फिर दो हाथ, हाथ यानी हस्त, हस्त पुल्लिंग होता है तो दो हाथ यानी हस्तौ आएगा ना, ऑप्शंस है पादौ हस्तौ नेत्रे और हस्तः, ऑप्शन नंबर 2 उसका सही आंसर होगा। फिर अनेक लताएं, एक लता यानी सिर्फ लता, दो लता यानी कि लते और अनेक लता यानी कि लताहा, लता लते लताहा बहुवचन हुआ ना, तो सही आंसर लताहा होगा, ऑप्शंस है वृक्षा लताहा शाखाहा लते, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया लताहा क्योंकि अनेक लता है इसलिए। फिर अनेक फूल, एक फूल यानी पुष्पम, दो फूल यानी पुष्पे और बहुवचन अनेक फूल यानी पुष्पाणी, तो इसका सही आंसर होगा पुष्पाणी, ऑप्शंस है फलानी पुष्पाणी पुष्पे और पुष्पम, तो पुष्पाणी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर दो नेत्र, एक नेत्र यानी कि नेत्रम
दो नेत्र यानी कि नेत्रे और अनेक नेत्र यानी कि नेत्राणी, तो सही आंसर होगा नेत्रे। ऑप्शंस है नेत्राणी, नेत्रे, नेत्रम और कर्णः, तो नेत्रे उसका सही आंसर होगा। फिर दो अध्यापिकाएं, अध्यापिका स्त्रीलिंग होता है तो वो आ ए आहा के हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पर दो है इसलिए ए अध्यापिके। ऑप्शंस है अध्यापिकाहा, अध्यापिके, अध्यापकौ और अध्यापकाहा, तो अध्यापिके इसका सही आंसर होगा। और लास्ट अनेक गेंद, गेंद एक गेंद यानी कि कंदुकम, दो गेंद यानी कि कंदुके और अनेक गेंद यानी कंदुकानी, तो इसका सही आंसर होगा कंदुकानी। ऑप्शंस है कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी और चक्राणी, तो ऑप्शन नंबर थ्री कंदुकानी इसका सही आंसर होगा। फिर एक्सरसाइज नंबर फोर है आपकी, आपको एक रूट वर्ड दिया है उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं लिंग के अनुसार, जो भी लिंग होगा उसके अनुसार उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं। टाइटल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, रूट वर्ड यहाँ पर आपको दिया है उसके अनुसार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको बनाना है। बहुत ही आसान है, हम एक करके देखते जाते हैं। पुस्तक, पहला क्वेश्चन है पुस्तक, पुस्तक नपुंसकलिंग होता है तो उसके तीन वचन क्या होते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। फिर छात्रा, आपको अच्छी तरह से अब पता हो गया होगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो सेकंड था आपका छात्रा, तो छात्रा स्त्रीलिंग होता है तो छात्रा, छात्रे, छात्राहा। फिर है नेत्र, नेत्र नपुंसकलिंग शब्द है तो उसका तीनों वचन क्या होंगे, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। फिर फल, अगेन नपुंसकलिंग शब्द तो उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होंगे, फलम, फले, फलानी। फिर वानर, वानर यानी बंदर, बंदर पुलिंग होता है, बंदर या स्त्रीलिंग होता है, हमें बंदर का बनाना है, वानरह, वानरौ, वानराहा। फिर बालक, तो बालक भी पुलिंग होता है, बालकह, बालकौ, बालकाहा। और लता, लता स्त्रीलिंग होता है तो लता, लते, लताहा। देन एक्सरसाइज नंबर फोर और फाइव है वो, सॉरी फाइव और सिक्स है वो है आपका क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज नंबर फाइव है शरीरस्य त्रयाणाम अंगानाम नामानि संस्कृतेन लिखत, यानी कि शरीर के किसी तीन अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो पहले हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख देना है कि नेत्रम, हस्तौ और पादौ, पहले उसका आगे का सेंटेंस लिखना है, वो आप क्वेश्चन में से ही ले सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है शरीरस्य त्रयाणाम अंगानाम नामानि संस्कृतेन लिखत, तो आपको शरीरस्य त्रयाणाम अंगानाम नामानि इतना संस्कृत क्वेश्चन में से ही ले लेना है और फिर लिखना है अधो लिखितानि संति। फिर से मैं दोहराता हूँ, आपको आंसर में पहले जो सेंटेंस लिखना है वो ये होगा शरीरस्य त्रयाणाम अंगानाम नामानि अधो लिखितानि संति। फिर वन करके नेत्रे, क्योंकि दो आँख है। फिर हस्तौ, दो हाथ, और नंबर थ्री पादौ, दो पैर। ओके, एंड लास्ट एक्सरसाइज है अगेन क्वेश्चन आंसर, उसमें क्या करना है पंच पशु नाम नामानि संस्कृतेन लिखत, पांच पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो सिमिलरली जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पहले एक संस्कृत का छोटा सा सेंटेंस लिखना है जो कि आपको क्वेश्चन में से ही कॉपी करना है, पंच पशु नाम नामानि अधो लिखितानि संति। फिर पांच पशुओं के नाम लिख देने हैं, पहले वानरह, दूसरा कुक्कुरह,
तीसरा गजह, चौथा मृगह और पांचवा अजा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टोटल चार पार्ट के माध्यम से चैप्टर टू पढ़ा। पार्ट वन, चैप्टर टू पार्ट वन वॉज अकारांत पुल्लिंग वर्ड्स, चैप्टर टू पार्ट टू वॉज आकारांत स्त्रीलिंग वर्ड्स, देन चैप्टर टू पार्ट थ्री वॉज अकारांत नपुंसकलिंग वर्ड्स, एंड टुडे चैप्टर टू पार्ट फोर वॉज द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। तो इस प्रकार हमने चैप्टर टू यहाँ पर समाप्त किया। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।